कंप्यूटर भर्ती के लिए साथियों मैंने शिक्षा मंत्री से मैंने मुलाकात की थी, धन्यवाद भी दिया मुलाकात की, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड नहीं भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती हो, चाहे पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड को, इन चारों भर्तियों के लिए मैंने मुलाकात की थी। मंत्री जी ने कहा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और पीटीआई समझ जो आना मेरे पास फाइल आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज है, जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। मैंने आपको कहा था कि बीकानेर निदेशालय के द्वारा इन भर्तियों का प्रस्ताव भेजा गया है, इनके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और वो प्रस्ताव बीकानेर से जयपुर शिक्षा मंत्री जी यानी कि राज्य सरकार के पास आ चुका है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा जैसे मैं फ्री हूंगा मैं मीटिंग लेकर इन भर्तियों की घोषणा करके मैं प्रदेश के बेरोजगारों को कुछ खबरें देने का काम करूंगा। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा था, मैं ट्वीट कर दूं साहब, तो उन्होंने कहा आप कर दीजिए, सूचना दे दीजिए, जल्द ही आपको कुछ खबरें मिलेगी। तो साथियों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड 5,500 मैंने संख्या बताई, सेकंड ग्रेड 10 से 12,000, पीटीआई की कोशिश करें रीट में पदों की संख्या बढ़ा जाए इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि प्रस्ताव आ चुका है हरिजन निमले रीट 2000 जो शिक्षक भर्ती है इसमें पदों की संख्या बढ़ा जाए इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। पीटीआई की जो अभ्यर्थी आई थी जो धरना 26 तारीख को दिया था, पीटीआई की भर्ती के लिए भी मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं। मंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड करवा पीटीआई भर्ती के लिए भी दिया है, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं पीटीआई की भर्ती निकालना चाहता हूं, तो पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री जी ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया आपकी भर्ती को लेकर वार्ता में। कंप्यूटर भर्ती के लिए कहा था कि मैं दो चार दिन में ही, कि अब दो दिन आपको पता है कि वो जो माखन जी है इसमें बिजी हैं, तो जैसे वो फ्री होंगे तो वो सिलेबस जल्द से जल्द कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस जारी हो जाएगा और जल्द से जल्द विज्ञप्ति, मेरी कोशिश यही है कि अगस्त में ही आपकी विज्ञप्ति जारी हो और जल्द आने वाले वीक में, जो आने वाला वीक में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुन लीजिए कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी, क्योंकि काफी कॉपी पेस्ट वाले तैयार हो जाएंगे, आने वाले वीक में आपका सिलेबस जारी कराने की पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश कामयाबी होगी, आने वाले वीक में आपका सिलेबस आपके सामने होगा, इसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। और इसके अलावा विज्ञप्ति अगस्त में जारी कराने की कोशिश करेंगे। जो हमने संघर्ष से जो जीत हासिल की, अब एक इतिहास रचा है और संघर्ष से ही हम लोग ये एक नया इतिहास फिर रचेंगे, तो सिलेबस भी जल्द जारी होगा और विज्ञप्ति भी जल्द जारी कराएंगे कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही